बेमेतरा जिला के साजा तहसील अंतर्गत ग्राम परथी कला के 35 किसान 20 साल से सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर हैं। आपको बता दें, गांव के समीप चार भाटा जलाशय से 20 साल पहले किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से नहर लाइनिंग का कार्य कराया गया, जिसमें किसानों को खेती की जमीन नहर लाइनिंग के निर्माण के लिए भू अधिग्रहण किया गया था, जहां प्रभावित किसानों को आज तक मुआवजा की तरफ से कोई पैसे नहीं मिली और किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हो गए हैं, जिससे परेशान दो दर्जन से अधिक किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर से रणवीर शर्मा ने मुलाकात कर मुआवजा राशि दिलाने की गुहार लगाई है। वहीं मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने चक्का जाम कर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं वर्तमान मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर रणवीर शर्मा ने इरिगेशन विभाग को ई को जल्द से जल्द किसानों को उनके मुआवजा राशि दिलाने के निर्देश दिए हैं। किसान आए थे, उनका कहना था कि उनको नहर मुआवजे की राशि नहीं मिली है, तो उसमें ई इरिगेशन भी आज जनदर्शन में मेरे साथ थे, तो मैंने ई इरिगेशन को कहा है कि उसमें जो भी उनको मुआवजा राशि बनती है किसानों की, उसको यथाशीघ्र समय पे दिलवाएं। कामत वर्मा है, पथरी कला के निवासी हूँ। चार भाठा डेवेशन के से नहर हमारे पथरी कला में आया है, वो बने आज 20 साल हो गए, और मोजा राशि नहीं मिली है। अब मोजा राशि के लिए किसान साजा एसडीएम के पास चक्कर लगा रहा है 20 साल हो गए, मुख्यमंत्री भी दे चुके हैं, विधायक ने भी दे चुके हैं, और बात भी हमन ध्यान नहीं दी समय पर। अब ध्यान नहीं दी तो हमन फिर आगे सोचे ना कैसे किया जाए, तो हम कलेक्टर के पास विज्ञापन सोचे कर मुआवजा नहीं मिली का करवा, मुआवजा नहीं मिली था। अब मोजा अगर नहीं मिली यहाँ से तो फिर आगे हमन उग्र आंदोलन करबो, हड़ताल करबो, चक्का जाम करबो, ये हम सोच के आए हैं पहुँचन देवी तरह। मुआवजा संबंध में आ हम नहर के, क्या हो गया है, कब से क्या काम हुआ है? से निकले हैं नहर पथरी कलक आदमी हैं, 35 किसान हैं, पूरा 20 साल हो गए नहर ल बने, आज तक मुआवजा नहीं मिले है। कहीं शिकायत किए थे कभी, क्या बोले थे अधिकारियों? हम आपी साजा में हफ्ता आठन 2 साल हो गए लगातार हर हफ्तावत। अभी कहाँ आए हैं, किससे मांग कर? कलेक्टर जनदर्शन में ज्ञापन सौंपे बरा हैं, पूरा किसान हैं।